की शुरुआत कब से होती है, क्या है और राधे कृष्ण गद्दी पर कब बैठते हैं? चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 6-8 मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप और ब्रह्मपुत्र नदी का ये संगम हीरे समान है। यहाँ तुम बच्चे आते हो कौड़ी से हीरे जैसा बनने। यहाँ तुम बच्चे आते हो कौड़ी से हीरे जैसा बनने। अच्छा प्रश्न है, सत्युगी राजधानी की स्थापना कब और कैसे होगी? सत्युगी राजधानी की स्थापना कब और कैसे होगी? सत्युगी राजधानी कब होगी, मतलब विनाश होगा। अच्छा देखो, गुह्य राज है। जब बाबा कहते हैं सारी सृष्टि, किसी को उत्तर आता है? बाबा ने हमेशा कहा है कि सारी सृष्टि हाँ सफाई हो जाएगी सारी सृष्टि की। तो जब सारी पतित सृष्टि की सफाई हो, अर्थात पुरानी सृष्टि का विनाश हो, तब सत्युगी राजधानी की स्थापना होगी। सत्युगी राजधानी बोला तब जाएगा जब यह है। उसके पहले तुम्हें तैयार होना है, पावन बनना है। नई राजधानी का संवत तब शुरू होगा। नई राजधानी 111 तब शुरू होगा जब एक भी पतित नहीं रहेगा। यहां से संवत शुरू नहीं होगा। भल मतलब अगर एक भी पतित आत्मा है, एक भी पतित आत्मा बाबा किसको कहते हैं? एक भी पतित शरीर है, तब तक सत्युगी राजधानी का संवत नहीं शुरू होगा। भल राधे कृष्ण का जन्म हो जाएगा, लेकिन उस समय से सत्युग नहीं कहेंगे। जब वह लक्ष्मी नारायण के रूप में राजगद्दी पर बैठेंगे, तब संवत प्रारंभ होगा। तब तक आत्माएं आती जाती रहेगी। ये सब विचार सागर मंथन करने की बात है। मतलब तब तक सत्युग नहीं होगा, जब लक्ष्मी नारायण के रूप में राजगद्दी पर बैठेंगे तब संवत प्रारंभ होगा, और संवत प्रारंभ होगा तब सत्युग की शुरुआत होगी। ये बाबा ने कई बार कहा है। पूरी सृष्टि का सफाई नहीं करेंगे, इसलिए तो जेल में जन्म बताते। यही गीत है, यही बाहर है। कौन सा गीत बोलो, गीतकार कहाँ ओम शांति दीदी। है? जो एडवांस पार्टी की आत्माएं जो उनको जन्म देने का पाठ करेंगी ना, वो सब ऊपर चली जाएंगी और दोबारा जन्म लेंगी, तब सारे की सारी आत्माएं पवित्र पर हो जाएंगी, क्योंकि हाँ अब जी उनका जन्म का मतलब दोबारा जन्म लेगी, वो तो बाबा ने उस तरह से तो क्लियर नहीं किया है, लेकिन हाँ कई बार क्योंकि कहाँ दीदी अभी हमारे तो उनका पतित शरीर से जन्म हुआ है ना, तो फिर तो वो वही बात हो जाएगी। तो बोला भी है कि तब तक आना जाना लगा रहेगा, तो हाँ आना जाना मीन्स कि वो ये शरीर छोड़ेंगी और दोबारा आकर के नया जन्म जब लेंगी तब हाँ हो। तब तक आना जाना चलेगा परम धाम से, और परम धाम से फिर जाना नहीं रहेगा, फिर आना ही आना रहेगा। लक्ष्मी नारायण के राज्य से फिर आना ही आना रहे, फिर जाना नहीं रहेगा। एक ही बार जाएगी ना, वो ड्रेस चेंज करने जाएंगे वहां। दीदी ओम शांति। यही बहार है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, है खुशी मनाने की। यही घड़ी है जवानी की, गुनगुनाने की है मुस्कुराने की। ये प्यारे प्यारे नजारे, ये ठंडी ठंडी हवा, ये हल्का हल्का नशा,
ये काली काली घटाओं की मस्त अदा, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, खुशी मनाने की, गुनगुनाने की। ओम शांति, इतना ही याद है जी। चलो इतने भी पास। ओम शांति। ये बच्चे कहाँ आए हुए हैं? यही बहार है ना, तो बहार कहाँ कब महसूस होता है? जब वो क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेदर के ऊपर बहुत बहार की डिपेंड करता है। ज्ञान सागर के कंठे पर वैसे रहते, ज्ञान गंगाओं के कंठे पर, और सभी आए हुए अभी आए हैं ज्ञान सागर के कंठे पर। कौन आए हैं? ज्ञान गंगाएं। क्या बनने के लिए? कौड़ी से हीरे अथवा कंगाल से सिरताज बनने के लिए। ब्रह्मा है ब्रह्मपुत्र और शिव है ज्ञान सागर। यह है ब्रह्मपुत्र नदी। बच्चा तो है ना ब्रह्मा वल्त शिव, तुम हो पौत्रे और पौत्रिया। कलकत्ता में सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। वहां गंगा, ब्रह्मपुत्र और सागर मिलते हैं। ब्रह्मपुत्रा में और भी नदियां मिलती है। मुख्य है ब्रह्मपुत्रा और सागर का संगम। उनको ही कहते डायमंड हार्बर। यह नाम अंग्रेजों ने रखा है वहां जो कलकत्ता में ना डायमंड। हाँ हाँ वही तो, ये नाम अंग्रेजों ने रखा है। वहां उनका ट्रेडिंग होता था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी वो सब। अर्थ कुछ भी नहीं समझते, सिर्फ नाम ऐसे ही रख दिया। अच्छा बाप अर्थ समझते हैं, समझाते हैं। क्या अर्थ समझाया कलकत्ता वाले बताए? अभी अभी आपने बोला दीदी कि बाबा बाप ज्ञान है, सागर है, और यह ब्रह्मा बाप ब्रह्मा नदी है, इसलिए ज्ञान सागर नदी हुआ, इसलिए डायमंड हार्बर बोला। हाँ वेरी गुड, समझा सभी कलकत्ता वाले। तो अभी ये डायमंड हार्बर कोई कहे तो बोला उसका रियल मीनिंग हम जानते हैं। वहां भी सागर के सम्मुख जाते हो हीरा बनने के लिए, परंतु हीरो के बदले पत्थर बन जाते हो, क्योंकि यह है भक्ति मार्ग। यह संगम है आत्मा और परमात्मा का, दोनों इकट्ठे हैं। वह जड़ है, यह चैतन्य है। यह तो कहां भी जा सकते हैं। तो बच्चों को हमेशा ये समझना चाहिए। क्या समझे? क्लास में बैठे हैं, एक बात समझना चाहिए। यह है ब्रह्मपुत्रा और सागर, दोनों इकट्ठे चैतन्य में बैठे हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा और सागर, डायमंड हार्बर इधर है। हाँ यह जैसे कि हीरा बनने का संगम युग है, संगम हो गया। तुम हीरे जैसा बनो। यह है ब्रह्मपुत्र और एडॉप्टेड ज्ञान गंगाए। यह नदियां तो अनगिनत है। उन नदियों का तो सबको मालूम है कि भारत में इतनी नदियां है। यह तो अनगिनत है। इन ज्ञान नदियों का तो अंत नहीं पाया जा सकता। सागर से नदियां इस समय निकलती है। पहले तो ब्रह्मपुत्र निकलती है, फिर उनसे छोटी छोटी नदियां निकलती है। तुम जानते हो पहले ब्रह्मपुत्र फिर इनसे छोटी छोटी। तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार? सब जानते हैं। देखो बाबा ने कहा ये जानते हो कि पहले ब्रह्मपुत्र निकली फिर बाद में छोटी छोटी नदियां, लेकिन जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार? बोलो किरण बहन कैसे? तो मतलब ब्रह्मपुत्रा से बाकी सब नदियां निकली है, यह जो यह जानना, वो पुरुषार्थ अनुसार नहीं निकली है। ब्रह्मपुत्रा से तो सारी नदियां निकली ही है ना, ये जानते हो। ये बाबा ने कहा तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, मतलब कोई समझ नहीं पाते, कोई सोचते ऐसे ही ब्रह्मा बाबा से ज्ञान नदियां निकली है ना, इसको कोई पूरा समझते, इसको कोई थोड़ा समझते, इसको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई बड़े है कोई छोटे है, ये सब मनुष्यों को हीरे जैसा बनाते। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनते हैं, नहीं। यथा राजा रानी तथा प्रजा,
सबका जीवन हीरे जैसा बनता है। जो स्वर्ग के लिए थोड़ा भी पुरुषार्थ करते हैं वह हीरे जैसा बनते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी और सागर दोनों इकट्ठे रहते हैं। तुम बच्चे जब आते हो तो अंदर में जानते हो कि हम जाते हैं बाबा के पास। बाप ज्ञान का सागर है, फिर प्रवेश करते हैं इस ब्रह्मपुत्र अर्थात ब्रह्मा में। इन द्वारा हमको हीरे जैसा बनाते। अब जो जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चले, ये भी जानते हो जहां तक जीना है वहां तक, जहां तक जीना है वहां तक पढ़ना है, वहां तक पुरुषार्थ करते रहना है। जब तक जीना है एफर्ट्स करते रहना है। तो अब जैसे कमाई करते तो क्या करते, जो जब तक कर सकता है तो करते ही है ना। शिक्षा तो मिलती रहती है, इम्तिहान के रिजल्ट तो विनाश के समय निकलती है। एक तरफ रिजल्ट निकलेगी और दूसरे तरफ सुनो वो नजारा, विनाश होगा, विनाश शुरू होगा, फिर तो हाहाकार हो जाएगा, बात मत पूछो। इसलिए विनाश होने के पहले, लड़ाई होने के पहले तैयार होना है, समझना चाहिए बाकी और क्या समय होगा। और यह भी जानते हो कि जब हमारी राजधानी स्थापन होती है तो ये सारी सफाई भी होनी है। तो यहां विनाश होगा और वहां रिजल्ट निकलेगा, वहां बॉम्ब्स होंगे और यहां रिजल्ट निकलेगा। तो कैसे रिजल्ट डिक्लेयर कैसे होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे होगा रिजल्ट डिक्लेयर। रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा, यहां विनाश होगा मतलब वो नगाड़े बजेंगे तो रिजल्ट कैसे होगा, सोचना यहां कैसे स्टेटस डिक्लेयर होंगे ना। नहीं तो बाबा अनाउंस करेगा, वो तो उसी हिसाब से ही साक्षात्कार उसी हिसाब से ही होगा ना। अरे को दिखेगा साक्षात्कार होता जाएगा स्वरूप का, मैं क्या बनने वाला हूं। अब रिजल्ट डिक्लेयर होना मतलब अपने आप को पता चलना। हम लोग ने सोचा रिजल्ट डिक्लेयर होना मतलब अनाउंसमेंट होता है, खुद का रिजल्ट होता है ना। और जब खुद ही सब पार्टिसिपेंट से, फिर अनाउंसमेंट कौन करेगा, तो खुद ही तो है ना पार्टिसिपेंट्स है। तो अपने आप का क्लियर हो जाएगा कि मैं ये बनने वाला हूं, ये है रिजल्ट डिक्लेयर। अब कल की मुरली थी, नहीं आज की है ना, कि सत्युगी हमारे लिए सत्युग कब शुरू होगा, जब हमारा सत्युग शुरू हो जाएगा। तो हमारा सत्युग जब शुरू होगा हमारे लिए सत्युग शुरू, तो आज की मेरी क्या रिजल्ट है, आज का मेरा, आज की जो रिजल्ट है वो समझो मेरा फाइनल रिजल्ट है, ऐसा ही समझेंगे। हम सोचेंगे कि कल अच्छा हो जाएगा, परसों शायद और अच्छा स्थिति हो जाएगा। एक तो शरीर का भरोसा वो एक अलग, और फिर बाद में आत्माएं जितना जो पुरुषार्थ करना चाहती है, मतलब आज मैं नहीं कर सकती हूं तो क्या कल फिक्स्ड है कि कल हो जाएगा। नहीं वो फिक्स तो नहीं है ना, कल आज रात को कोई ऐसी इंसिडेंट हुई, पूरे दिन में कितनी बातें हो जाती है, कोई ऐसा ही डायग्नोज हो जाता है, कोई बीमारी ऐसी डायग्नोज हो जाती है, क्या कितना पेंडिंग रखना चाहिए हम। तो बाबा ये कहते हैं इम्तिहान हाँ करेंगे, करना ही है, लेकिन अभी का बेस्ट करना है। इसीलिए तो दीदी बोला ना हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। वही जो हमने पुरुषार्थ किया था। इम्तिहान की रिजल्ट तो विनाश के समय निकलती है। एक तरफ रिजल्ट निकलेगी, दूसरे तरफ विनाश शुरू होगा, फिर तो हाहाकार हो जाता है, बात मत पूछो। इसलिए विनाश होने के पहले, लड़ाई होने के पहले तैयार होना है, समझना चाहिए बाकी और क्या समय होगा। और ये भी जानते हो कि जब हमारी राजधानी स्थापन होती है
तो ये सारी सफाई भी होनी है, फुल दुनिया की सफाई होनी, वो कौन करेगा? सफाई का पाठ पुराने नहीं बताए, नए बताए, सफाई का पाठ कौन करेगा? बोलो बोलो पद्मा बेन, प्रकृति सफाई का पाठ। तो प्राकृतिक आपदाई की इतनी इंपॉर्टेंस, तो बाबा कहते फिर तो हाहाकार हो जाएगा। तुम पावन बनते रहते हो, वह है पतित, सब पतित खलास हो जाएगा, हिसाब किताब चुकतू कर सब वापस चले जाएंगे, एक भी पतित न रहे तब कहेंगे पावन दुनिया। तुम इस समय हो पावन, परंतु सारी दुनिया तो पावन नहीं है ना, पावन बनेगी जरूर। जब विनाश होगा तब सारी दुनिया पावन बनेगी। दुनिया पावन कैसे बनेगी? चलो आत्माएं पावन बन जाएगी, सब पतित खलास हो जाए। हिसाब देखो, सीक्वेंस, सब पतित खलास हो जाए, इम्प्योर सोल्स कोई न रहे। फिर फर्स्ट रिक्विजिट, हिसाब किताब चुकतू कर सब वापस चले जाए। इम्प्योरिटी का मतलब अकाउंट चालू, तब तक इम्प्योरिटी है। तो हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा, एक भी पतित सब खलास, कोई पतित रहेगा नहीं, और फिर तब कहेंगे पावन दुनिया। आएगा आएगा, हाँ तब दुनिया पतित होगी ना, रहेगी नहीं। वही तो पहला योग बल का बच्चा है, तो पहला योग बल का। तो जब विनाश होगा तब सारी दुनिया पावन होगी, फिर उसको नई दुनिया कहेंगे। तो यहाँ प्रकृति साफ करेगी दुनिया को, आत्माएं अपनी सफाई करेगी हिसाब किताब चुकतू द्वारा, और इस तरह से पूरी दुनिया क्लीन हो जाएगी, और फिर आत्माएं आएगी, योग बल से पैदाई शुरू होगी। नहीं, न्यू पार्ट शुरू होगा ना जब विनाश हो। हाँ, नई दुनिया का संवत कोई पूछे तो समझाना चाहिए। जब महाराजा महारानी तख्त पर बैठे बैठते हैं तब नया संवत शुरू होता है। जब तक नया संवत शुरू हो तब तक पुराना जरूर कायम होगा, रहेगा। कि नया संवत लक्ष्मीनारायण तख्त पर तब बैठेंगे जब एक भी इम्प्योर नहीं होगा, एक भी जाना नहीं रहेगा, सिर्फ आना ही आना रहेगा। तो यहां से संवत शुरू, जब तक नया संवत शुरू हो तब तक पुराना जरूर कायम रहेगा। तो तब नया संवत, यहां से संवत शुरू नहीं होगा, संवत 111 शुरू नहीं होगा। नई दुनिया, हम ब्राह्मण भल नए हैं, परंतु दुनिया अथवा सारी पृथ्वी थोड़ी नहीं है। पृथ्वी की सफाई हुई नहीं, पृथ्वी दुनिया पावन हो उसको किसको कहेंगे? प्रकृति पावन। मतलब प्रकृति पावन का मतलब क्या है? हर चीज अपने मर्यादा में चलते हैं। प्योरिटी का मतलब कंप्लीट मर्यादा। प्रकृति अपनी मर्यादा में, कभी बहुत बरसात, कभी बिल्कुल नहीं, कभी बहुत, तो ये सब प्रकृति की मर्यादा नहीं है। तो परंतु दुनिया अथवा सारी पृथ्वी थोड़ी नहीं है, अभी है संवत, कलयुग के बाद सतयुग आना है। हम कहते ये फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण, फिर भी उस समय सतयुग नहीं कहेंगे। जब तक लक्ष्मी नारायण तख्त पर नहीं बैठे तब तक कुछ न कुछ खिटपिट होती रहेगी। भी खिटखिट चलेगी ना। तो फिर जन्म से सिर्फ नहीं चेंज होता है। मतलब युवा अवस्था में होगा ना।
25 एग्जैक्ट बाबा ने तो कभी नहीं बताया, वैसे बहुत सारे इसकी थियोरीज चल रही है, लेकिन युवा अवस्था के बाद ही तो फिर स्वयंवर होगा ना, स्वयंवर के बहुत बाद फिर मतलब बाद में उनकी वंशावली शुरू होगी, पर युवा अवस्था होगा तो तब तक खिटपिट चलती रहेगी। इसलिए बहुत अच्छा लीला में बताया है, जब श्री कृष्ण का जन्म है तब तक, उसके बाद कितने असुर बताते रहते हैं, उनके ज्यादा असुर तो बाल्यकाल की ही बताते हैं, छोटे क्या कितने कितने दिन के थे, तो पूतना फर्स्ट कितने दिन के थे, पूतना फर्स्ट कांताबेन, हाँ कुछ शायद दो चार दिन के ही थे तब पूतना आ गई, और फिर अकासुर बकासुर पता नहीं कितने सारे, तो ये बाल्यकाल के बताए हैं सारे, इसके पीछे ये राज है। तो जब तक तो भल राधे कृष्ण जब तक लक्ष्मी नारायण तख्त पर नहीं बैठे हैं तब तक कुछ न कुछ खिटपिट होती रहेगी, भल राधे कृष्ण आ जाते हैं। देखो यह है विचार सागर मंथन करने की बातें, सत्युग जब शुरू होगा तब संवत शुरू होगा, सूर्यवंशी डायनेस्टी का संवत, फलाना संवत सूर्यवंशी डायनेस्टी का संवत जब सत्युग शुरू होगा, परंतु प्रिंस प्रिंसेस के नाम पर संवत कभी नहीं होता। कितनी अच्छी बात है ना, लॉजिक है। हाँ, क्योंकि किंगली डायनेस्टी है ना, प्रिंस प्रिंसेस है तब डायनेस्टी नहीं होती ना। चलता रहेगा, हाँ आना जाना चलता रहेगा, मतलब मेजर तो हो ही जाएगा, श्री कृष्ण का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद पुरुषार्थ का टाइम नहीं होगा, श्री कृष्ण के जन्म के बाद पुरुषार्थ नहीं होगा, वो तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, फर्स्ट प्रिंस आया रिजल्ट डिक्लेयर्ड, अब खाली वो एडवांस पार्टी की आत्माओं का आना जाना वो चलता रहेगा, पतित आत्मा ही रह ही नहीं सकती उस समय। नहीं नहीं पुरुषार्थ ऐसे थोड़ी, फिर तो इधर एग्जामिनेशन इधर रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और उधर पुरुषार्थ करते रहो, नहीं वो एग्जाम हो गया एट अ टाइम, हाँ एक ही टाइम होगा, ये नहीं कि मेरा पहले हो जाएगा, रिजल्ट तो एक ही टाइम डिक्लेयर होता है, उसके पहले हो जाएगा रिजल्ट डिक्लेयर, श्री कृष्ण के साथ साथ कौन आने वाले वो सबका रिजल्ट होगा ना, रिजल्ट डिक्लेयर मतलब कैसे, बाद में पढ़ाई करके थोड़ी कोई आगे, पहले पहले वो फिर वही आना जाना एडवांस पार्टी की आत्माओं का आना जाना, पुरुषार्थ का टाइम नहीं है वो, नहीं इन आत्माओं का आना जाना, क्योंकि सारी पतित आत्माएं तो चली जाएगी ना ऊपर, इन द सेंस ये वाली जो एडवांस पार्टी को छोड़ के बाकी वाली आत्माएं तो जाएगी ना, परम धाम तो चली जाएगी बाकी वाली आत्माएं, मुझे तो लगता है यही है, मतलब जो बाबा ने आज पूरा कहा है अच्छे से समझ पढ़ना वापस, वो नहीं होगा। बाकी बुक में पूरा डिटेल दिया हुआ है दीदी, डिटेल में दिया हुआ है कि लास्ट में तो खाली देवताओं को जन्म देने वाली आत्माएं यहाँ पर बचेंगी, क्योंकि शरीर पतित है इसलिए वो ऊपर जाए, क्योंकि रिजल्ट तो हो ही जाएगा ना, सत्युग और त्रेता का सारा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा पहले, मतलब सबके सामने अपना आ जाएगा, ने तो कोई तो 25 साल में तो और पुरुषार्थ कर ले कोई तो, फिर तो अरे श्री कृष्ण के साथ हो जाए। हाँ 9 लाख दीदी ये इसी टाइम में आएंगे ना, 9 लाख आत्माएं, हाँ बचा ही नहीं, ऐसी तो बाबा रोज रोज की डंडोरा पीट रहे हैं, कभी भी हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम थोड़ी बचा है, जो हम सोच रहे हैं वही होगा ना, जो मतलब हम सोचते हैं हाँ कोविड हो के उस समय थोड़ा शुरू शुरू में था, फिर वो भी एक हम यूज्ड टू हो जाते हैं ना, हर विनाश के सीन से भी यूज्ड टू हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चल रही है चलती है कोई बात नहीं, हाँ वो तो बाबा ने 100 ईयर्स कहा है, सूर्यवंशी डायनेस्टी का संवत फलाना, परंतु प्रिंस प्रिंसेस के नाम पर संवत नहीं होता, बाकी बीच के समय में आना जाना होता रहता है,
छीछी मनुष्य को भी तो जाना है, कुछ ना कुछ बचे हुए तो रहते ही है ना, जो भी बचे हुए होंगे वह भी वापस जाए, टाइम तो लगता है ना, ये कौन समझाते हैं, कोई इतनी डिटेलिंग कौन बता सकता है जिसने देखा होगा सारा बैठ के ऊपर। ज्ञान सागर भी समझाते, तो ब्रह्मपुत्र नदी भी ज्ञान नदी भी है, दोनों दोनों इकट्ठे समझाते। वह कुंभ का मेला तो वर्ष वर्ष लगता है, बाबा भी कब तक वेट करेगा सूक्ष्म वतन में, मतलब मेन जब भी आज कल वो पुरुषार्थ करते हैं बात वतन में तो लगता है बाबा वेट ही कर रहा है, वेटिंग का भी तो कोई सबसे डिफिकल्ट पीरियड तो वेटिंग का ही होता है, तैयार होने का नहीं होता है, उसमें तो बिजी रहते हैं। तो बाबा भी कब, तो बाबा ये कौन समझाते हैं, ज्ञान सागर भी समझाते, ब्रह्मपुत्र नदी भी है, दोनों इकट्ठे समझाते। ये कुंभ का मेला तो वर्ष वर्ष लगता है, ये कुंभ का मेला सागर और ज्ञान नदियों का मेला तो संगम युग पर ही होता है। तुम बच्चे कहेंगे हम जाते हैं मात पिता व ज्ञान सागर, वा हम कहाँ जाते हैं स्नान करने, नहीं मधुबन ठीक है, कहाँ जाते हैं मात पिता व ज्ञान सागर वा आज और कौन बोला, ब्रह्म बड़ी नदी के पास है ना, बाबा हमको इस बड़ी नदी और इन नदियों द्वारा वर्षा दे रहे हैं, अर्थात हीरे जैसा बनाते। कुंभ के मेले में कितना खुशी से बड़ी शुद्धि से जाते हैं और फिर वहां मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहते, आजकल थोड़ी होता है मनसा वाचा कर्मणा कुंभ के मेले में जाकर पवित्र रहो, हर चीज एक एंजॉयमेंट बन गई है, खाओ पियो मौज करो, ये जीवन का एक सिद्धांत बन गया है। तो चाहे वो तीर्थ हो, चाहे वो वृंदावन हो, चाहे वो मनसा वाचा कर्मणा तपस्या त्याग प्योरिटी, ये कंसेप्ट थोड़ी रहा है। अच्छा अच्छा कुछ अच्छा हाँ, तो वो भी एक नया सिद्धांत बन गया है। तो बाबा कहते हैं कि वह है जड़ यात्रा, यात्रा यात्री अपना कल्याण करना चाहते हैं, पंडों का इतना कल्याण नहीं होता जितना यात्रियों का होता है क्योंकि वो रहते ही है गंगा में तो पंडे लोग तो पैसा इकट्ठा करने जाते, उन्हों की इतनी भावना नहीं होती जितनी यात्रियों की रहती है। यात्री बड़ी शुद्ध भावना से जाते तो कईयों को साक्षात्कार हो जाता है, अमरनाथ पर बर्फ का लिंक बना रहता है, सामने जाने से बर्फी बर्फ जैसे देखने में आता है, भावना वाले जैसे देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। यह तो कुदरत है, बर्फ में लिंग बन जाता है, मनुष्य की ऐसी भावना बैठ जाती है कुछ भी नहीं, सच्ची यात्रा तो अभी तुम्हारी हो रही है। मनुष्य समझते भगवान की पिछाड़ी बहुत धक्का खाया है भगवान से मिलने, परंतु भगवान मिलता ही नहीं। बाबा ने समझाया है भगवान का तो चित्र निकाल ही नहीं सकते। अच्छा बिंदु बिंदी का फोटो क्या होगा, पॉइंट ऑफ लाइट क्या फोटो, वो तो समझाने के लिए कहा जाता है कि स्टार है, भ्रुकुटी के बीच चमकता है, पर सबसे फेमस हमारा पॉइंट ऑफ लाइट का पिक्चर ही है, ब्रह्मा कुमारी इसका लोगो भी पॉइंट ऑफ लाइट है। ये इधर ऑडिटोरियम में आप लोगों ने देखा होगा ना, वहां सब सब कंट्रीज के झंडे लगाए हैं, देखा है किसी ने ग्लोबल ऑडिटोरियम में, नोट किया, तो सबसे स्टार्टिंग में शिव बाबा का झंडा पॉइंट ऑफ लाइट का पिक्चर, उसके बाद फिर ए से जेड तक की सारी कंट्रीज का ऐसे लगाया। तो बाबा कहते कितना सुंदर लगता है बाबा का झंडा, मतलब बाबा का फोटो पॉइंट है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी बाबा को श्रृंगार करना नहीं पड़ता है, लेकिन सब देखते ही रहते हैं उसको, तो ये ब्यूटी है ना। तो बाबा कहते हैं मनुष्य की ऐसी भावना बैठ जाती है तो भ्रुकुटी के बीच चमकता है। कई बच्चे भ्रुकुटी में टीका लगाती है, यह सुना हुआ है ना
कि आत्मा का निवास भ्रुकुटी में है तो स्टार लगाती है। सच्चा तिलक अगर कहे तो वह है आत्मा स्टार। फिर दूसरा तिलक है, एक है आत्मा स्टार, इसका निशानी तिलक है। बाबा कहते हैं एक्चुअली वो सच्चा तिलक है। अच्छा दूसरा तिलक है राजाई का तिलक, फिर बड़ा होता है वह स्थूल राज तिलक मिलता है। तुम बच्चों को ज्ञान आ जाता है कि हम आत्माओं को अब राज तिलक मिला है। आत्मा समझती है कि अभी हमको परमपिता परमात्मा से राज तिलक मिलता है। भ्रुकुटी के बीच बहुत अच्छा स्टार लगाते हैं, अच्छा सोने का भी लगाते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला हुआ है। हम स्टार अब हीरे जैसा बनते हैं, हम आत्मा स्टार है, परमपिता परमात्मा भी स्टार इतना ही छोटा है, परंतु उनमें सारी नॉलेज है। ये बातें बड़ी गुह्य है, तुमको ज्ञान अर्थात सोजरा मिला है, परमपिता परमात्मा के रूप को भी देखा समझा है। जैसे आत्मा का साक्षात्कार होता है वैसे परमात्मा का भी होता है। कहेंगे जैसे तुम हो वैसे मैं हूं, बाकी बच्चे को बाप का क्या साक्षात्कार चाहिए। कोई कहे मुझे शिव बाबा दिख जाए, किसकी इच्छा है शिव बाबा मुझे दिख जाए। दिख जाए स्टार है क्या होगा, जैसे आत्मा स्टार वैसे परमात्मा। कोई बहुत सुंदर हो तो दिखे तो चलो वेट भी करे उसके लिए हा? अच्छा लगता है, प्रकाश स्वरूप है एकदम। रोज ही इतनी पावरफुल फीलिंग करो ना, कभी साक्षात्कार की इच्छा ही नहीं रहेगी। इतनी रोज ऐसे फील करे बाबा, बाबा की प्रकाश के बीच में बाबा मेरे साथ, तो कोई वेटिंग पीरियड की जरूरत ही नहीं है संगम युग में तो। हाँ एग्जैक्टली हाँ, चाहिए साक्षात्कार करना है, माताओं को बहुत इच्छा होती है साक्षात्कार हो जाए। सरोज माता सुशीला कहते हैं स्टार दिख भी गया तो क्या पता चलेगा कि ये आत्मा का हुआ है परमात्मा का हुआ है। बाबा का रोज है कि यह है सब ज्ञान की बातें। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान, बाकी बच्चे को बाप का क्या साक्षात्कार चाहिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, जैसे तुम वैसे बाप, सिर्फ महिमा और पार्ट अलग अलग है। तो जैसे मैं आत्मा वैसे बाप, महिमा अलग है पार्ट अलग है, मेरा पार्ट अलग है। तो जैसे आत्मा का साक्षात्कार होता है वैसे परमात्मा का है। कहेंगे जैसे तुम हो वैसे मैं हूं, एक न मिले दूसरे से, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। एक्टर्स का पार्ट एक जैसे थोड़े ही हो सकता है, इसको ईश्वर की कुदरत कहा जाता है। वास्तव में ड्रामा की कुदरत कहे को, क्योंकि बाबा ऐसे नहीं कहते कि मैंने ड्रामा बनाया है। फिर प्रश्न उठेगा कि कब बनाया, इनको कहा जाता है कुदरत। ये एक अच्छा टर्मिनोलॉजी है कुदरत, भाई कुदरत है मतलब ऑटोमेटिक प्रोसीजर है, ऑटोमेटिक है, कुदरत है। ये चक्र कैसे फिरता है सो अभी तुम जान गए हो। आत्मा स्टार है उसमें कितना बड़ा पार्ट है। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ज्ञान का सागर कहा जाता है। यहां किसको ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है, वेद शास्त्र पढ़ने वाले शास्त्रों का ही ज्ञान सुनाते हैं, बाकी बाप में जो ज्ञान है वो तो कोई में नहीं है। भगवान ही आकर सहज राज्यों का ज्ञान सिखलाते, उनको ही ज्ञान का सागर कहेंगे। तो ये नदियों का मेला लगता है, यह भी समझते हो कि सागर से ही नदियां निकलती है। कई बच्चों को यह भी मालूम नहीं रहता है, वैसे ही तुम्हारी बातों को भी कोई नहीं जानते हैं। ज्ञान सागर कैसे आता है, कैसे आता होगा, उनसे ज्ञान गंगाएं कैसे ज्ञान पाती होगी, यह है सारी ज्ञान की बातें।
मनुष्यों द्वारा बुद्धि में जो बातें बैठी है तो सच्ची बातों का किसको पता ही नहीं है। तुम अब उस सागर और इस ज्ञान सागर को जान गए हो। अभी वह सागर और नदियां तो दुख देती रहती है, सागर भी उछल पड़े तो कितना नुकसान कर देते हैं। अभी ज्ञान सागर पतित पावन को सब याद करते हैं, उस सागर का व नदियों को कोई याद ही नहीं करते। पतित पावन ज्ञान सागर को याद करते हैं, उस सागर से ये नदियां निकली है। क्योंकि एक्चुअली सोचने की बात है ना, वैसे नदियां क्या करेगी, नदियों में क्या पावर है। ठीक है, मतलब जड़ी बूटियों का पावर है वो एक अलग है, आत्मा को पावन बनाने के पावर नदियों में कहां से आए, है ना। हो सकता है कि आत्मा पावन बन जाए नदियों उस पानी से, तो ये तो ज्ञान सागर की बात है। अभी ज्ञान सागर पतित पावन को सब याद करते हैं, उस सागर से ही यह नदियां निकली हैं। उनके नाम रूप देश काल को कोई जानते ही नहीं है, भल शिव नाम कहते भी है सिर्फ लिंग का नाम रख दिया है। बाकी बाबा का नाम तो अविनाशी है ना, शिव बाबा रचयिता एक है, उनकी रचना भी एक है और अनादि है। कैसे अनादि है वो बाप बैठ समझाते हैं। सत्युग में यह त्योहार आदि होगा, रक्षाबंधन कुछ होते ही नहीं है, दीपावली होगा, कॉरोनेशन डे होगा, दीपावली थोड़ी होगा। कोई भी त्योहार की जरूरत नहीं, कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है, बोर्डम नहीं हो जाएगा। कोई त्योहार नहीं, कोई आउटिंग, और रोज ही आउटिंग करना है दीदी माँ, रोज ही त्योहार होगा। हाँ, तो बाबा कहते ये सब गायब हो जाते, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होंगे। इसलिए कोई भी त्योहारों का ओरिजिन देखो तो क्या होता है, भाई इंद्राणी में लड़ाई हुई, वहां मतलब असुर की लड़ाई, तो फिर तो वहां से ही शुरुआत हुई। जैसे ये राखी का बताते हैं, ब्राह्मण यजमान के यहाँ जाते थे, या वो शत्राणी ने, मतलब कितनी प्रचलित जो स्टोरीज है, तो वो बाद में की बात है। जहां सब अच्छा ही था, लड़ाई हुई, इंद्र जा रहा था, तब इंद्राणी ने ये रक्षा सूत्र डाला। तो जब लड़ाई नहीं होगी तो फिर त्योहार की जरूरत ही नहीं। तो ये सब द्वापर युग ऑनवर्ड्स होगी ना लड़ाई, तो फिर तब फिर ये त्योहार गए। मनुष्य समझते स्वर्ग था, फिर स्वर्ग आएगा, परंतु इस समय तो नरक है। इनकी आयु का किसको पता ही नहीं, घोर अंधियारा है। कल्प की आयु का भी किसको पता नहीं है, कहते भी है ये जो ड्रामा है ये फिरता रहता है, परंतु आयु का पता न होने के कारण कुछ भी समझते नहीं है। ब्रह्मा के मुख द्वारा बाप बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, तो उन्होंने फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए हैं। वह भी सब शास्त्र हाथ में थोड़ी पकड़ सकते सिंबल दे दिया ना कुछ शास्त्र, लेकिन सारे शास्त्र कैसे। तो इसका मतलब क्या है, दो तीन शास्त्र दिया है तो उसका अर्थ हुआ दो तीन शास्त्र दिया है तो अर्थ हुआ कि सार है ना, शास्त्र विस्तार है और सार में दो तीन। तो वह भी सब शास्त्र हाथ में थोड़ी पकड़ सकते हैं, वह ब्रह्मा द्वारा कोई सब शास्त्र थोड़ी सुनाते हैं। जानते ये सब भक्ति मार्ग के है, इसलिए ओनली एक ही देवता है ना जिसके हाथ में शास्त्र आदि, नहीं तो बाकी सब शस्त्र दिए, शास्त्र नहीं दिए। तो जानते ये सब भक्ति मार्ग के है, वो तो ये तो पढ़ते आए हैं। कब से पढ़ते आए, जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते ये अनादि है, वेद व्यास ने रचे हैं। अच्छा, वेदों को ऊंचा मानते हैं, परंतु लिखा हुआ है वेद शास्त्र आदि सब गीता की रचना है। तुम बच्चे जानते हो ये वेद शास्त्र आदि ही वही फिर बनेंगे, फिर वह नाम रखेंगे,
अभी तुम जानते हो हम फिर से पूज्य बन रहे हैं, फिर पुजारी बनेंगे तो मंदिर आदि बनाएंगे, राजा रानी मंदिर बनाएंगे, पहले कौन बनाएगा मंदिर? राजा रानी बनाएंगे ना, और फिर तो प्रजा भी बनाएगी। भक्ति मार्ग शुरू होने से फिर सब मंदिर बनाने लग पड़ते हैं, घर घर में भी बनाएंगे। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में तो राधे कृष्ण का मंदिर बनेगा, लक्ष्मी नारायण की राजधानी में राधे कृष्ण का मंदिर न मंदिर हाँ? अरे सामने वो शिव बाबा बैठे हैं, वो व्यक्ति सामने है तो मंदिर की क्या जरूरत है, सामने जीते जागते ऐसे चलेंगे। ठीक है, सोचा कभी वो दिन सोचा कि श्री कृष्ण मेरे सामने ऐसे चलेंगे, दौड़ेंगे, हम उनके हाथ में हाथ लेकर चलेंगे? सुना गुलाब भाई मुस्कुरा रहे, सोच के भी सोचो कैसे हाथ पकड़ के करेंगे। ठीक है ना, देखो माताएं कितनी खुश हो गई। राजू बहन तो ऐसे इतना लायक बनना है, फिर वो जो श्री कृष्ण के साथ आएंगे ना, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगी तो वो फिर साथ में चलेंगे ना। उनके साथ चलने वालों की लिस्ट पहले से डिक्लेयर होती है कैबिनेट की लिस्ट तो पहले से डिक्लेयर होती है ना, वो तो प्रधानमंत्री ने सोचा हुआ होता है कि ये मेरे कैबिनेट वाले होंगे मुझे पता है किस किस को करना है। तो बाबा कहते हैं हाँ, तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में तो राजधानी में तो राधे कृष्ण का मंदिर बन नहीं सकता, मंदिर तो भक्ति मार्ग में बनते हैं। जैसे जैसे गिरते जाते हैं मंदिर बनाते जाते हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी की जो प्रॉपर्टी है वो वैश्यवंशी शूद्रवंशी सूर्यवंशी आज बड़े अच्छे अच्छे राज बताए, और चंद्रवंशी की जो प्रॉपर्टी है वह वैश्यवंशी शूद्रवंशी भोगते हैं। कितने बड़े बड़े महल होंगे हमारे, फिर मैसूर के राजा अपना महल रखेगा उसमें से थोड़ा सा। तो बाबा कहते नहीं तो ये राजा कहां से आए, मोनार्की सिस्टम और स्टार्टिंग ऑफ द कंट्री हर में मोनार्की भी रहा है। अगर डेट बैक करो आप, कोई भी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं हुआ, ये स्टार्टिंग में मोनार्की हुई, फिर वो मोनार्की एक कन्वर्ट होके ऑटोक्रेसी हो गई, फिर वो कम्युनिज्म हो गया, वो सबसे बेकार, वो एक अलग बात है, बट पहले यही था। तो बाबा इसलिए कहते हैं नहीं तो राजा ही आई कहां से, प्रॉपर्टी चलती आती है, बड़ी बड़ी जो प्रॉपर्टी है वो छोटी छोटी होते फिर आखिर कुछ भी नहीं रहता, आपस में बांटते जाते हैं। तो बच्चों को अब समझ में आ गया है कि कैसे हम पूज्य बनते हैं, कितना समय बनते हैं, अच्छा फिर कैसे पुजारी बनते हैं। अभी समझ गए ना कि परमपिता परमात्मा का नाम रूप देश काल और उनका पाठ क्या है। भक्ति मार्ग में भी भक्तों की शुद्ध भावना बाप ही पूरी करते हैं, अशुद्ध भावना रावण पूरी करते। अभी तुमको ज्ञान सागर ने सारा ज्ञान बुद्धि में बिठाया है, सब तो नहीं समझेंगे ना, कौन समझेंगे अच्छे से बोलो सुशीला बहन, कौन अच्छे से समझेंगे? हम ब्राह्मण बच्चे। हाँ दीदी, हम बच्चे जो ज्ञान सुन रहे हैं, जो देवी घराने की आत्मा। हाँ मतलब जो बाबा का स्टैंडर्ड आंसर है, जो पहले वाले है वही निकलते रहेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। अच्छा पहला पॉइंट है जब तक जीना है पुरुषार्थ करते रहना है,
बाप की शिक्षाओं को अमल में लाना है, बाप की शिक्षाओं को अमल में लाना है। बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है, बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। दूसरा है रूहानी पंडा बन, सबको सच्ची यात्रा करानी है, हीरे जैसा बनना और बनाना है, हीरे जैसा बनना और बनाना है। वरदान है श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति द्वारा वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति द्वारा वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। जो बच्चे अपनी कमजोर वृत्तियों को मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करने का व्रत लेते हैं, उन्हें यह सृष्टि भी श्रेष्ठ नजर आती है। देखो, कमजोर वृत्तियों को मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करते हैं तो उनको यह सृष्टि भी श्रेष्ठ नजर आती है। वृत्ति से दृष्टि और कृति का भी कनेक्शन है, एटीट्यूड। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। श्रेष्ठ वृत्ति होना माना वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना। वृत्ति से ही वाइब्रेशन वायुमंडल बनता है। श्रेष्ठ वृत्ति का व्रत धारण करने वाले विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाते हैं। वृत्ति से वाणी और कर्म, वृत्ति से वाइब्रेशन वायुमंडल, वृत्ति से विश्व परिवर्तन। कितना अच्छा कनेक्शन है, वृत्ति वाणी कर्म वाइब्रेशन वायुमंडल विश्व, ये सब याद रखेंगे तो ऑटोमेटिक सभी याद आ जाएगा। वृत्ति से ये सब कुछ ही है। वृत्ति और व्रत भावना से वृत्ति या वृत्ति से भावना। वृत्ति से भावना, भावना से वृत्ति से भावना आती है। जैसा मेरा एटीट्यूड होगा ना वैसी मेरी फिर भावनाएं बनती है, और वैसे बाकी सब तो है ही है। और एटीट्यूड बनता है, हाँ कहीं कहीं जब ऐसा भी हो सकता है फीलिंग्स हमको कुछ एक बहुत कई खराब ऐसे लगता है, फील होता है, फीलिंग से भी एटीट्यूड बन जाता है। मतलब सपोज मुझे बहुत अच्छा खराब फील हुआ कोई का इंसल्ट, कोई ने कुछ मुझे इंसल्ट किया, तो अगर फीलिंग स्ट्रांग रहेगी तो मेरा एटीट्यूड क्या बनेगा जीवन के प्रति, नेगेटिव ना। दुनिया ऐसी है, किसी को अपनों से कुछ ऐसा हुआ बहुत हर्ट में चला गया तो फिर वो जीवन के प्रति एटीट्यूड क्या रख देता है, सारे अपने ऐसे होते हैं। भावना है, भावना है, हाँ फिर वृत्ति से भावना होती है। तो इसलिए एटीट्यूड, इसलिए हमारा कल का टॉपिक है थिंकिंग राइट नो मैटर व्हाट। हमारा एटीट्यूड कभी भी डाउन ना हो, स्पिरिट को डाउन नहीं करे कभी भी, कुछ भी हो जाए नहीं इससे भी अच्छा होना है, इससे भी अच्छा होना है। एटीट्यूड ऐसा हो जाए इससे भी अच्छा होना है, इसके में भी बहुत अच्छा है तो क्या हो जाएगा। तो वृत्ति एटीट्यूड ऐसा है तो अगर मुझे कोई उस इंसिडेंट के बारे में पूछेगा भी तो मैं क्या बोलूंगी, बहुत अच्छा हुआ। नहीं तो अगर वो एटीट्यूड वो हर्ट होगा ना उस समय तो
तो फिर वो निकलेगा नहीं, हम चाहे कहेंगे जो भी होता है ना बहुत अच्छे के लिए होता है, लेकिन वो लास्ट छोटा वर्ड होता है, पहले पूरा वर्णन करके वो पूरा होता है। हमको जरूरत ही नहीं है ना, हमको किसी की वृत्ति को चेंज करनी, अपनी कर लो बहुत बड़ा टारगेट है खुद का है, वो अपनी प्रॉब्लम है ना। इसलिए यही ये बाबा का ज्ञान से मैं हमेशा सोचती हूँ, पिछला सेकंड खराब गया ना, अगर गया तो भी मेरा नेक्स्ट मिनट का फ्यूचर तो अभी के सेकंड से बनना है ना, तो अभी का सेकंड क्यों खराब करो पिछले सेकंड के कारण। पिछला सेकंड था कोई कर्मों का हिसाब किताब था, हो गया सेटल हो गया, पर अभी का तो इससे क्या होगा, तो अब फिर वो एटीट्यूड बन जाता है जीवन का कि बहुत अच्छा है, तब एटीट्यूड बनता है, इफेक्ट में तब नहीं आता है। तो वृत्ति वाइब्रेशन वायुमंडल विश्व याद रहेगा ना सारा। अच्छा स्लोगन है, विदेही व अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी मन के भाव को जान लेंगे। विदेही व अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी मन के भाव को जान लेंगे। अव्यक्त इशारा है, सिक्स्थ है ना। पवित्रता की शक्ति इतनी महान है जो अपनी पवित्र मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति द्वारा प्रकृति को भी परिवर्तन कर लेते हो। मनसा पवित्रता की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है प्रकृति का भी परिवर्तन, स्व परिवर्तन से प्रकृति का परिवर्तन। प्रकृति के पहले व्यक्ति, तो व्यक्ति परिवर्तन और प्रकृति परिवर्तन, इतना प्रभाव है मनसा पवित्रता की शक्ति का। तो मनसा, ये जब बाबा ने कहा ना सारा सफाई हो जाती है, प्रकृति पवित्र हो जाती है, मतलब प्रकृति पूरी मर्यादा में चलती है, तो उसका आधार है पवित्रता की शक्ति। तो आज का एटीट्यूड के ऊपर हम वर्क करेंगे पूरा, मतलब कुछ भी हो जाए हमारे एटीट्यूड, किसी का व्यक्ति आत्मा परिस्थिति के प्रति, क्योंकि वृत्ति वायुमंडल वाइब्रेशन विश्व और व्यक्ति, वृत्ति से व्यक्ति विश्व वायुमंडल वाइब्रेशन। और कभी कभी इसमें भी ट्राई करो, ट्राई कर सकते हैं कि जैसे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बीमार है, हम सोचते बस सोते रहे ना थोड़ा, बहुत बीमार है बहुत बीमार है, क्योंकि वाइब्रेशन क्या बन गया, मैं जहां मैं रेस्ट कर रही हूँ उस कमरे का बहुत दर्द है बहुत दर्द है बहुत दर्द है, उससे निकलो। हम बहुत बार हम उसी में रहते और बीमारी फील करते रहते क्योंकि वो उसी में बैठे रहते। वृत्ति से वाइब्रेशन और बाहर निकलो कि नहीं कुछ अलग वातावरण चेंज करो, सेंटर पर आ जाओ, तो दूसरा वातावरण मिलते हैं ना बीमारी भी फर्क पड़ जाती। मतलब कोई बहुत ही डिफरेंट, वो बेड रिडन वाला केस है वो डिफरेंट है, बट ऐसे में छोटे मोटे बहुत दर्द हो रहा है बहुत दर्द हो रहा है, मैंने वायुमंडल वैसा ही बना दिया, अब मुझे दर्द की फीलिंग चलती रहेगी, फीलिंग चलेगी चाहे दर्द ऊपर नीचे होगा। वृत्ति से वायुमंडल, तो उस वृत्ति में जहां ऐसा वायुमंडल हो वहां ज्यादा नहीं है ना। कितनी बार होता है ना हेडेक हो रहा है सेंटर पर आ जाओ, क्या हुआ ठीक हो जाता है, भूल जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, बहुत अच्छा होता है। उस वायु को बिजी करते हैं बाबा के इसमें तो भी बीमारी हाँ। तो भागी जाती है तो ये हो जाता है हाँ, फिर वो हिम्मत करो हाँ, मन को डाइवर्ट कर, इससे फिर बाद में वापस जाएंगे ना तो वो वातावरण तो चेंज हो जाएगा हमारा ही, हम वो वातावरण ठीक है, ये हिम्मत रखो।
यही तो अभी 10 साल में करना है, जो भी करना है।